वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आई है हमारे पास अल्टो K10 और गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है कि गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती है। काफ़ी देर में गाड़ी स्टार्ट होती है, 8-10 सेल्फ लग जाते हैं गाड़ी में तो स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी 1-2 सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी है और गाड़ी में चेक लाइट कंटिन्यू हमारी ऑन है। तो फ्रेंड्स, दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है गाड़ी में, और गाड़ी की स्टार्टिंग दिखाते हैं, स्टार्टिंग कैसी है गाड़ी की। तो गाड़ी में लगाते हैं सेल्फ, ये लंबी स्टार्टिंग हमारी गाड़ी की। जैसी एक्सीलेटर लेते हैं, एक्सीलेटर भी हमारा 6000 रुपये नहीं जा रहा है, 6000 से जाके रिटर्न वापस 4000 रुपये आ जाता है। तो एक्सीलेटर लेते हैं गाड़ी का, ये 4000 से ज़्यादा नहीं जा रहा है एक्सीलेटर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये चेक लाइट हमारी कंटिन्यू ऑन है और ये 4000 रुपये अप डाउन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे ही गाड़ी को बंद करके और गाड़ी को स्टार्ट करके पूरा एक्सीलेटर धरते हैं तो गाड़ी हमारी 6000 रुपये चली जाती है। देखना, जैसे ही स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तो दिखाते हैं, ये जा चुका है एक्सीलेटर हमारा, ये ऑटोमेटिक हमारे नीचे डाउन मार चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक्सीलेटर हमारा पूरा दबा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाड़ी में पिकअप भी नहीं है और चेक इंजन लाइट हमारी गाड़ी की ऑन है और गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी, जैसे चलते चलते ट्रैफिक में गाड़ी बंद होती है तो गाड़ी को लंबा सेल्फ लेती है, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट होती है, और अभी भी प्रेजेंट में गाड़ी की स्टार्टिंग लॉन्ग है, ठीक है। ये लंबा ले रही है, जैसे डीजल गाड़ी स्टार्ट होती है वैसी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, 4000 से ज़्यादा नहीं जा रहा। गाड़ी को स्टार्ट करते ही साथ अगर प्रॉपर तरीके से अगर एक्सीलेटर लेते हैं तुरंत तो 6000 जाता है, और गाड़ी एक्सीलेटर अगर थोड़ा सा रुक के लेते हैं तो गाड़ी का RPM 4000 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है फ्रेंड। तो जैसी देखो स्टार्ट हुई, देखो 4000 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो जैसी गाड़ी को बंद करेंगे और स्टार्ट करके पूरे एक्सीलेटर ब्लास्ट धर देंगे, ये 6000 जा चुका है हमारा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक डाउन मार चुका है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी में पेट्रोल की प्रॉब्लम तो नहीं है, कन्फर्म है, ये बात तो कन्फर्म है कि गाड़ी में पेट्रोल की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और चेक लाइट हमारी कंटिन्यू ऑन है, तो इसमें डिवाइस लगा के दिखाते हैं, स्कैनर लगा के कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और उसमें क्या कोड आ रहा है गाड़ी में। तो गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं सबसे पहले, तो गाड़ी को करते हैं बंद, और इसका OBD पोर्ट जो है फ्यूज बॉक्स के बगल में लगा हुआ है, ये स्कैनर हमारा लग चुका है गाड़ी में, और ये चाबी हमने ऑन कर दी है। तो चलते हैं अब, तो ये रहा हमारा मोबाइल, तो उस पर गाड़ी को डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस्टिक मारुति इंडियन, ठीक है, अल्टो K10 है हमारी गाड़ी, तो मारुति इंडियन में इसको डायग्नोस करेंगे गाड़ी को। गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, तो सबसे पहले इसको चलते हैं न्यू मेन्यू में, मैनुअल सेलेक्ट, फुल सिस्टम लिस्ट, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, पार्ट नंबर इसने ले लिया है, इसको करते हैं ओके। रीड फोल्ड कोड, तो फ्रेंड्स इसमें कोड आ रहा है इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई बैंक बन, और KM60 पोजीशन सेंसर ए सर्किट बैंक बन और सिग्नल सेंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये कोड आ रहा है, इसमें दिखा रहा है जैसे इसका सिग्नल वायर जो है वो कहीं से ब्रेक है या कहीं से टूटा हुआ है, सिग्नल सेंसर को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी के जो RPM होते हैं KM60 सेंसर से आते हैं, ठीक है, KM60 सेंसर से RPM आते हैं गाड़ी के, और इसकी KM कितनी पोजिशन पर घूम रही है ये सेंसर हमारा सेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गाड़ी में जो सेंसर कैम लगा हुआ है उसमें रेफरेंस वोल्टेज जो आना चाहिए वो वोल्टेज उसमें नहीं आ रहे हैं। तो इसमें अभी बैंक बन और इसमें भी बैंक बन का कोड दिखा रहा है, तो अब दूसरी जगह दिखाते हैं इसमें कोड कि कोड किस तरीके से आता है। तो ओल्ड मेनू में दिखाते हैं, कोड क्लियर तरीके से बताया कि गाड़ी की बारे में प्रॉब्लम है। तो बैक आते हैं, नो, तो चलते हैं ओल्ड मेनू में। तो इस गाड़ी को अपन
गाड़ी को इसको इको में स्कैन करेंगे, गाड़ी को इको, मारुति इको, ठीक है। तो इको में चलेंगे, इंजन कंट्रोल, रीड फोल्ड कोड। तो फ्रेंड्स इसमें दिखा रहा है इंटेक या टेम्परेचर सर्किट हाई इनपुट, ठीक है, मतलब इसमें कोई वायर टूटा है। और इसमें दिखा रहा है कैम शॉट पोजिशन सेंसर सर्किट फॉल्टी, ठीक है, सर्किट फॉल्टी। इसमें क्लियर कोड दिखा रहा है और न्यू वाले में बैंक वन बैंक टू के हिसाब से दिखा रहा है, क्योंकि बैंक वन और बैंक टू का मतलब होता है एक और दो, ठीक है। तो इसमें इसमें क्लियर दिखा रहा है कैम शॉट पोजिशन सेंसर सर्किट फॉल्टी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक गाड़ी में इसको और करेंगे, उसमें भी देखो सेम बताएगा और न्यू मॉडल में थोड़ा अलग तरीके से बताता है। तो अब इसके चलेंगे इसमें बैगनार इंजन, केसरी इंजन, ठीक है फ्रेंड्स, केसरी इंजन में इसको गाड़ी को डायग्नोस करेंगे। तो रीड फोल्ड कोड देखिए फ्रेंड्स, इंटेक या टेम्परेचर सर्किट इनपुट हाई, ठीक है, और कैम शॉट पोजिशन सेंसर सर्किट फॉल्टी। और न्यू मॉडल में फ्रेंड्स देखा आपने, अलग तरीके से दिखा रहा है, बैंक वन के हिसाब से दिखा रहा है। एक एयर टेम्परेचर का जो इंटेक एयर टेम्परेचर का कोड है उसमें बैंक वन, और कैम शॉट में भी बैंक वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कोड हमारे क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में वापस से आ जाते हैं। तो ये कोड हमारे सक्सेस हो चुके हैं, रीड फोल्ड कोड, ये कोड हमारा नहीं गया, ठीक है फ्रेंड्स, पेंडिंग में चला पेंडिंग में जा चुका है और ये क्लियर हो चुके हैं। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, नो ट्रबल कोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी की देखिए स्टार्टिंग कितनी लंबी है। अब गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, ये स्टार्ट हुई काफ़ी देर में, गाड़ी स्टार्ट हुई हमारी और गाड़ी में चेक लाइट जा चुकी है। तो अब आरपीएम देखेंगे, गाड़ी का आरपीएम कितना जा रहा है, 4000 से ज़्यादा इस गाड़ी का आरपीएम नहीं जा रहा है, 4000 से ज़्यादा गाड़ी का आरपीएम हमारा नहीं जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और चेक लाइट भी गाड़ी में अभी नहीं आई है। तो गाड़ी को वापस से बंद करके स्टार्ट करते हैं, ये हाफ चाबी गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी हमारी ऐसी स्टार्ट होना चाहिए, 4000 से ज़्यादा गाड़ी का आरपीएम नहीं जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और बंद करके स्टार्ट तुरंत करते हैं, गाड़ी का एक्सीलेटर हमारा 6000 तक चला जाता है, उसके बाद ये चेक लाइट हमारी आ चुकी है फ्रेंड्स, चेक लाइट हमारी गाड़ी की आ चुकी है। तो वापस से चलते हैं, देखते हैं चेक लाइट किस सेंसर की हमारी चेक लाइट आई है गाड़ी में। तो ओके, तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप, इसमें वापस से वही दो कोड आ चुके हैं, कैम शॉट पोजिशन सेंसर सर्किट फॉल्टी। तो इंजन में दिखाते हैं इंजन में प्रॉब्लम कहाँ पे हो, कैम शॉफ्ट की बायरिंग चेक करते हैं। तो गाड़ी का फिल्टर खुलवाते हैं, दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे, रखो जा साइड में। तो जो फ्रेंड्स कोड भर रहा था हमारा कैम शॉफ्ट का, तो इसका जो कैम शॉफ्ट की जो सॉकेट है इसमें जुगाड़ बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे 12 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज। तो इसकी सॉकेट को बाहर निकालते हैं, तो ये सॉकेट हमारी निकल चुकी है बाहर। तो इसमें करंट चेक करेंगे, इसमें 12 वोल्ट हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चाबी गाड़ी के बंद है, चाबी खोल के आओ। तो गाड़ी की हमारी चाबी ऑफ थी, चाबी ऑन हो चुकी है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले 12 वोल्ट, तो फ्रेंड्स इसमें 12 वोल्ट करंट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है ग्राउंड, ग्राउंड देखेंगे कि किस बारे में ग्राउंड हमारा आ रहा है इसमें। तो इसमें अभी कुछ नहीं आया है, और ये रहा लास्ट वाला हमारा बार। तो फ्रेंड्स इसमें ग्राउंड आ रहा है, ये हमारा पहला नंबर 12 वोल्ट हो गया, दूसरा रेफरेंस वोल्टेज हो गया, तीसरा हमारा ग्राउंड हो गया। तो अब इसमें देखेंगे रेफरेंस वोल्टेज जो होता है वो हमारा इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये 5 वोल्ट हमारा करंट गोल है, इसी चक्कर में गाड़ी आरपीएम ड्रॉप कर रही है। तो थोड़ा सॉकेट पास से दिखाना, थोड़ा पास से दिखाओ सॉकेट। तो इस सॉकेट में ऑलरेडी जुगाड़ बनी हुई है, तो कभी कभी सॉकेट यहाँ से करंट नहीं आता है आगे से, मगर सॉकेट पीछे से वीक हो जाती है। तो इसकी वायरिंग दिखाते हैं, इसकी वायरिंग में दिक्कत है। तो फ्रेंड इसमें ये तार इसका देख सकते हो, इसमें ये तार इसका टूटा हुआ है, बीच में इसमें वायर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वायर नहीं है। तो इसमें आप वायर में करंट चेक करेंगे, इसमें हमारा करंट कंप्लीट 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मल्टीमीटर लगा दिया है इसमें, ये मल्टीमीटर लग चुका है, और ये हमारा ग्राउंड
तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो आप, इसमें 5 वोल्ट के समथिंग हमारा करंट इसमें आ रहा है। तो ये सॉकेट हमारी ख़राब हो चुकी है क्योंकि इसका जो तार था इस सॉकेट में पहले से जुगाड़ बनी हुई थी, ठीक है। तो इस सॉकेट को नहीं डालने वाले हैं और इसमें तार पीछे से ब्रेक हो चुका था, ठीक है, और यहाँ पे करंट नहीं आ रहा था। तो सॉकेट को चेंज करते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। गाड़ी की सॉकेट इसमें चेंज करा दी है इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें पिने अलग से ऐड कर दी है कपलर में, क्योंकि इसके कपलर नहीं मिला है तो इसमें पिने नहीं ऐड करके फिटिंग करा दी है। तो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले क्या सकाल थी फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट करते थे तो गाड़ी की जो आरपीएम मीटर है, एक बार में 6000 जाता था, उसके बाद में 6000 नहीं जाता था, 4000 पे अटक जाता था। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी हमारी हाफ चाबी स्टार्ट हो चुकी है, तो एक्सीलेटर लेके देखते कितना एक्सीलेटर जा रहा है हमारा। अब एक्सीलेटर हमारा गाड़ी का कंटिन्यू सद रहा है, पहले एक्सीलेटर हमारा सद नहीं जाता, एक बार जाने के बाद में दोबारा वापस से 6000 पे नहीं जा रहा था। ये फ्रेंड्स हमारा एक्सीलेटर जा चुका है और स्टार्टिंग देखते हैं गाड़ी की। हाफ चाबी गाड़ी की हमारी स्टार्टिंग आ चुकी है, तो हमारा काम प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो चेक लाइट जो इसकी है स्कैनर से हटेगी, मैनुअल हटा के देखते हैं, अगर हट गई तो ठीक है, नहीं वरना स्कैनर से चेक लाइट इसको हटाएंगे। तो चाबी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और चाबी को बाहर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ला के देखते हैं, अगर चेक लाइट इसकी चली गई तो ठीक है, वरना चेक लाइट इसकी स्कैनर से जाएगी। चेक लाइट इसकी नहीं गई, ठीक है, मैनुअल तरीके से जरूरी नहीं है कोई गाड़ी की चली है। तो हमारा काम प्रॉपर तरीके से हो चुका है, एक्सीलेटर परफेक्ट लेने लगी गाड़ी, और गाड़ी की स्टार्टिंग भी परफेक्ट आ चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।